हाय, आज मैं आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप किसी भी वर्ड फाइल को कैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आप लैपटॉप या पीसी में जाएं, कोई ब्राउज़र ओपन करें जैसे फायरफॉक्स, क्रोम ब्राउज़र और कोई भी अदर ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप इसमें टाइप करें नोवा पीडीएफ 8 या 9 वर्जन। और इसे डाउनलोड कर लें। इसके बाद आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप कोई भी वर्ड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। और आप टॉप राइट पे देखेंगे तो नोवा पीडीएफ के नाम से टूल बार दिखेगा और इसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप उसकी सेटिंग कर लें। उसके बाद आप प्रिंट कमांड सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद आप प्रिंटर में नोवा पीडीएफ को सेलेक्ट करें। और नीचे ऑप्शन में इनक्रिप्टेड पीडीएफ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें और पासवर्ड क्रिएट कर लें। और ओके कर दें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया इस चैनल की सदस्यता लें और इस वीडियो को पसंद करें। अगर आपके पास वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो कृपया टिप्पणी करें।